हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रियो अपनी नई नवेली भाभी प्रीति का स्वागत कर रही होती है, तभी उसकी माँ निर्मला उसे टोकते हुए बोलती है, अरे ऐसे ही ले आएगी अपनी भाभी और भाई को अंदर, पहले जाकर चावल से भरा कलश लेकर आ। उससे क्या होगा माँ, उसके बिना भाभी अंदर आ जाएगी तो क्या चावलों की कमी हो जाएगी घर में? जितना बोला जा रहा है उतना कर ले प्रियो, जा जाकर रसोई से कलश भर कर ला चावलों का और पूरा ऊपर तक भर कर लाइयो। ठीक है माताश्री। प्रियो रसोई में जाकर चावल का डब्बा निकालती है तो उसमें थोड़े ही चावल होते हैं। ये देखकर प्रियो बोलती है, अरे यार चावल तो बहुत कम है, अब क्या करूं? अगर माँ को बताया तो बोलेगी जा जाकर दुकान से लेकर आ, बताओ तब तक क्या भाभी ऐसे ही गेट पर खड़ी रहेगी? कुछ सोच प्रियो। आइडिया, वाह मेरा जुगाड़। प्रियो अपने कमरे से रुई लेकर आती है और कलश के अंदर डाल देती है, ऊपर से थोड़े से चावलों को उसके अंदर डालती है, जिसके बाद वो कलश ऐसा दिखता है कि मानो चावलों से ऊपर तक भरा हो। बस फिर क्या था, वो कलश को अपनी भाभी के पैरों के पास रखते हुए बोलती है, लो भाभी आओ अंदर, आपका आपके नए घर में स्वागत है। प्रीति कलश को अपने पैरों से गिराकर अपने पति कमल के साथ ससुराल में कदम रखती है, जिसके बाद प्रियो अपनी भाभी को उनके कमरे तक छोड़ कर आती है। जैसे ही प्रियो अपनी भाभी के कमरे से निकलती है तो उसके सामने निर्मला हाथों में कलश लिए खड़ी होती है और उसे घूरते हुए बोलती है, तू सुधरेगी नहीं ना, हर जगह जुगाड़ लगाना जरूरी होता है। अरे चावल नहीं थे तो भाग के दुकान से नहीं ले आ सकती थी, लेकिन नहीं, इस महान इंसान को तो अपने खाली दिमाग को ऐसे घटिया जुगाड़ों से चलाना है। ओहो माँ क्या है आपको, भाभी को क्या इतनी देर बाहर ही खड़ा रखती हैं आप? इसलिए मैंने ये किया। अब आप गुस्सा मत करो, आपकी ऐसी आवाज़ सुनकर बेचारी भाभी डर जाएंगी। हाँ मैं तो चुड़ैल हूँ ना। अरे मेरी माँ, चलो चलो भाई भाभी को आराम करने दो। प्रियो अपनी माँ को ले जाती है, लेकिन उनकी सारी बातें कमरे में मौजूद प्रीति सुन लेती है, जो बैठे बैठे बहुत हंसती है। उसको ऐसे हंसता देखकर कमल बोलता है, क्या हुआ मेरी नई नवेली दुल्हन को, अकेले अकेले हंसे जा रही हो, मुझे भी बता दो क्या बात है। अरे आपको पता है प्रियो भी मेरी तरह जुगाड़ू है, कल उसने घर पर चावल ना होने पर कलश में रुई भर दी थी और ऊपर से थोड़े चावल डाल दिए, अभी माँ जी उसको डांट रही थी। वो तो आए दिन डांट खाती है अपने जुगाड़ों के चलते, तुम उसके जैसी मत बनना वरना माँ से दोनों ननद भाभी डांट खाती फिरोगी। जी जी वो तो वक्त बताएगा कि क्या होगा। प्रीति और कमल अपनी शादी की पहली रात को अच्छे से एंजॉय करके सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। मेहंदी उतरने तक निर्मला ने अपनी बहू से कोई काम नहीं करवाया था, इसीलिए शादी के कुछ दिन बाद अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए प्रीति चाय बनाने जाती है, जहां वो देखती है कि चीनी खत्म है तो वो बोलती है, अब क्या करो, ये तो उठेंगे नहीं चीनी लाने के लिए, माँ जी को कह नहीं सकती और प्रियो सो रही है तो चीनी कैसे डालूं चाय में। प्रीति रसोई में इधर उधर देखती है तो उसको बताशे का डब्बा दिखता है, जिसको उठाते हुए प्रीति बोलती है, अरे वाह ये सही है, चीनी ना होने पर उसका जुगाड़ मौजूद है, यही इस्तेमाल कर लेती हूँ आज। बताशे को चीनी की जगह डालकर प्रीति पहली बार अपने ससुराल में चाय बनाती है। कुछ देर में सब उठकर नाश्ते की टेबल पर आते हैं और चाय नाश्ता करते हैं। निर्मला जैसे ही चाय पीती है तो वो प्रीति से बोलती है, बहू चीनी खत्म हो गई थी क्या? हाँ माँ जी आपको कैसे पता? चाय के स्वाद से पता चल रहा है कि इसने बताशे डाले हैं। बेटा चीनी खत्म थी तो मुझे बोल देती, ऐसे अपनी ननद प्रियो की तरह जुगाड़ वाले काम मत किया कर, समझ आई? माफ करना माँ जी। माफी की क्या जरूरत है माँ, भाभी ने तो खर्चा ही बचाया है जुगाड़ से, और आपको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जुगाड़ करके हम अच्छा ही करते हैं, आप ये क्यों नहीं देखती कि हम कितने एडजस्टेबल हैं? बस बस अपनी भाभी के सामने ये ज्ञान देकर खुद को महान मत दिखा, तेरे जुगाड़ कैसे कैसे होते हैं बताऊं क्या? मैं बताता हूँ, प्रीति एक बार प्रियो की बेल्ट टूट गई थी तो ये उसकी जगह नाड़ा बांध के चली गई और पूरे कॉलेज में नंदू सबका बंधु बन के घूम रही थी। सच में क्या प्रियो, आप भी? प्रियो की बेइज्जती होने के बाद
वो बेचारी उठकर अपने कमरे में चली जाती है और उदास बैठी होती है। कुछ देर में वहाँ प्रीति आती है और अपनी ननद को ऐसे उदास देखकर बोलती है, क्या हुआ प्रियो, बाहर सबकी बातों का बुरा लग गया क्या? नहीं भाभी, वो बात नहीं है, मेरी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी है और मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है और ना ही टाइम है कि अब मैं मार्केट से लेकर आऊं, क्योंकि पार्टी 2 घंटे बाद है। अरे बस इतनी सी बात, रुको मैं देती हूँ अपनी ड्रेस, बहुत प्यारी है, प्रेस करके लाती हूँ। प्रीति अपनी एक प्यारी सी ड्रेस को प्रेस कर रही होती है, तभी उसको निर्मला बुला लेती है और वो जल्दी जल्दी में प्रेस को ऐसे ही रख के चली जाती है। कुछ ही मिनटों में जब वो जल्दी से वापस आती है तो देखती है कि ड्रेस पीछे से प्रेस के आकार में जल गई है और ये देखकर प्रीति रोते हुए बोलती है, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, इतनी खूबसूरत ड्रेस मैंने अपने हाथों से जला दी, अब प्रियु को क्या जवाब दूं? तभी वहाँ प्रियु आती है और जली हुई ड्रेस को अपनी भाभी के हाथों में देखकर बोलती है, ये क्या हुआ भाभी, आपने ड्रेस जला दी, अब क्या करें, पार्टी में जाने के लिए बहुत कम टाइम बचा है, शायद मेरी किस्मत में नहीं है जाना। मुझे माफ कर दो प्रियु, गलती से हो गया। कोई नहीं भाभी। इतना बोलते ही प्रियु की नज़र अपने जूतों पर जाती है जिसमें ब्लैक शू लेस जले हुए थे। उनको देखकर प्रियु बोलती है, आइडिया, भाभी लाओ दो ये ड्रेस, मैं इसको अभी अपने पहनने लायक बनाती हूँ। प्रियु अपने जूतों के शू लेस निकाल कर ड्रेस के जले हुए हिस्से में शू लेस को सुई से सिलकर डोरी वाला डिजाइन बना देती है, जिसको देखकर प्रीति बोलती है, वाओ प्रियु, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये ड्रेस कहीं से जली भी थी। सच में तुम्हारे जुगाड़ तो मेरे जुगाड़ से भी कहीं ऊपर है, अब तो ये ड्रेस एकदम न्यूली डिजाइन लग रही है। अरे भाभी, मेरे साथ रहोगी तो आपको नए नए जुगाड़ करना सिखा दूंगी, फिलहाल मैं चलती हूँ, पार्टी के लिए लेट हो रहा है। प्रियु उसी ड्रेस को पहनकर बर्थडे पार्टी में जाती है जहाँ उसकी ड्रेस की सब तारीफ करते हैं। ऐसे ही आए दिन किसी ना किसी चीज के खराब होने पर ननद भाभी अपने जुगाड़ों से काम चला लेती, जिसके कारण निर्मला बड़ी ही परेशान रहने लगी थी, लेकिन दोनों को समझाने का भी कोई फायदा नहीं था। कुछ समय बाद प्रियु का रिश्ता एक अच्छे घर में तय हो जाता है, जिसके बाद निर्मला को लगा अब दोनों ननद भाभी के अलग होने पर इनके जुगाड़ भी बंद हो जाएंगे। लेकिन शादी वाले दिन भी जब पंडित जी लड़का लड़की के फेरे करवाने के लिए अग्नि कुंड को जलाने के लिए लकड़ियां मांगते हैं, तो प्रीति बोलती है, कमल जी लकड़ियां दीजिए, आपको लाने के लिए बोला था। अरे मुझे कब बोला, शादी की सारी तैयारी तो तुमने की है ना। आप भी ना इतनी जरूरी चीज भूल गए और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। तुम दोनों इस वक्त लड़ने की जगह ये सोचो कि अब क्या किया जाए। प्रीति सोच ही रही होती है कि तभी प्रियु इशारे से अपनी भाभी को बुलाकर बोलती है, भाभी क्या हुआ? तुम्हारे भैया मंडप की लकड़ियां लाना भूल गए, अब बताओ क्या करूं? सोचो कुछ जुगाड़ करो। प्रीति अपना जुगाड़ू दिमाग चलाती है और बहुत सारी मोमबत्तियों को अग्नि कुंड में जलाते हुए बोलती है, देखिए पंडित जी अग्नि जल गई है, शादी की रस्में शुरू कीजिए। बेटी ये शादी जैसा पवित्र बंधन है जो अग्नि को साक्षी मानकर निभाया है, और वो अग्नि मोमबत्तियों से प्रकट नहीं कर सकते, जन्मों का रिश्ता जुड़ रहा है, ऐसे जुगाड़ ना करो, इसमें लकड़ियाँ मंगवा लो। सही कहा पंडित जी ने, प्रीति और प्रियु तुमको जुगाड़ से काम चलाना पसंद है, अच्छी बात है, लेकिन हर जगह जुगाड़ नहीं चलता, इसलिए फर्क समझो, विवाह की पवित्र अग्नि कुछ भी जला के प्रज्वलित नहीं की जा सकती, समझी? हाँ माँ जी, मुझे माफ कर दो, आज मैंने कुछ ज्यादा ही जुगाड़ू बनने की कोशिश की, पर अब मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है। मुझे भी माफ कर दो माँ, भाभी को ऐसा बनाने में मेरा भी हाथ है, और आज भी कोई जुगाड़ करने को मैंने ही बोला था। कोई नहीं, तुम दोनों के समझ आ गई वही बहुत है, चलो मैं लकड़ियों का इंतजाम करके आती हूँ। निर्मला लकड़ियाँ लेने जा ही रही होती है कि तभी कमल पीछे पीछे भागा भागा हाथों में लकड़ियाँ लेकर आते हुए बोलता है, ले आया लकड़ियाँ मैं। शुक्र है मेरा बेटा जुगाड़ू नहीं है, वरना तो मैं बर्बाद ही हो जाती। निर्मला की इस बात पर सभी हंसने लगते हैं और फिर हवन की शुद्ध लकड़ियों से अग्नि प्रज्वलित करके प्रियो की शादी की रस्म पूरी होती है।
और वो खुशी खुशी विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। हॉस्पिटल में प्रिया रोते हुए डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते ही अपनी माँ के लिए हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगती है और बोलती है, डॉक्टर प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए, उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, प्लीज मेरी माँ को जल्दी से ठीक कर दीजिए। देखो प्रिया, तुम्हारी मदर की हालत अभी बहुत खराब है, तुम्हें अपनी मदर के लिए 1,00,000 रुपए अभी जमा करवाने होंगे और उनकी किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए जो पैसा लगेगा वो अलग, यानी अभी तुम्हें 3,00,000 रुपए की जरूरत है। अगर पैसे जमा नहीं करवाए तो तुम जानती ही हो। डॉक्टर आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? पैसों से ज्यादा प्यारी मुझे मेरी माँ की जान है, आप जानती हैं। हाँ प्रिया, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ, पर मैं हॉस्पिटल के रूल के अगेंस्ट तो जा नहीं सकती। आई एम सॉरी, तुम किसी रिश्तेदार से हेल्प ले लो, क्या पता कुछ बात बन जाए। और हाँ प्रिया, तुम्हारे पास 3 घंटे हैं, उनका ऑपरेशन फौरन करना होगा हमें, सो हरी अप। क्या डॉक्टर, मैं लेकर आती हूँ पैसे आपके पास। प्रिया डॉक्टर की बात सुनकर हॉस्पिटल से रोते हुए निकल जाती है। वो पैसे के इंतजाम करने के लिए परेशान हो रही होती है, अपने रिश्तेदारों को कॉल करती है पर वो फोन नहीं उठाते। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो इधर उधर भटकने लगती है। तभी वो रोते हुए एक बेंच पर बैठ जाती है और रोते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसे आंखों के सामने ऋत्विक का चेहरा दिखाई देता है और अपने बीते हुए लम्हों को वो याद करने लगती है। प्रिया कॉल पर एक कस्टमर से बात कर रही होती है कि तभी ऋत्विक उसके पास आता है और उसे कहता है, अरे ओ पगली, लंच ब्रेक हो गया, अब तो छोड़ दे कॉल करना, ज्यादा पैसे कमाएगी क्या मेरे से? ओके मैम, हैव अ नाइस डे। हाँ तू बोल, क्या दिक्कत खा रहा है यार? 4 कस्टमर और है और मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, और टारगेट कंप्लीट हुआ यानी कि मेरा प्रमोशन हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं माँ को नई साड़ी ला कर दूंगी, बहुत टाइम से वो पुरानी साड़ियाँ पहन रही हैं। हाँ जानता हूँ मेरी प्यारी प्रिया। ऋत्विक तुझे कितनी बार बोला है कि मुझे ऐसे टच मत किया कर। यार तुझे प्यार करता हूँ और मुझे पता है तू भी करती है, बस बोलने से डरती है। डरती नहीं हूँ, बस मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहती। अभी मैं अपनी माँ को उन गरीबों वाली जिंदगी से छुटकारा दिलाना चाहती हूँ, उनकी जिंदगी में खुशियाँ भरना चाहती हूँ। तेरी बात समझता हूँ, मुझसे शादी कर ले, तुझे और आंटी को दोनों को खुश रखूंगा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, पूरी जिंदगी सिर्फ तुझसे प्यार करूंगा। ऋत्विक मैंने तुझे मना कर दिया ना, तुझे समझ में नहीं आता है क्या? एक बार में देख, दोबारा तूने ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं पास वाली शॉप पर कुछ खाने जा रही हूँ, तुझे चलना है तो चल। ऋत्विक प्रिया की बात मानकर उसके साथ जाता है। दोनों रोड क्रॉस करते हुए जा ही रहे होते हैं कि तभी एक गाड़ी सीधा प्रिया की तरफ तेजी से आ रही होती है और ऋत्विक उसको देखकर जल्दी से अपनी तरफ खींच लेता है और गले लगाकर उससे बोलता है, प्रिया प्रिया तुम ठीक तो हो ना? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, कैसे रहता मैं तुम्हारे बिना? ऋत्विक ऋत्विक रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। प्रिया आंख बंद करके सोच ही रही होती है कि तभी एक औरत उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, एक्सक्यूज मी, आप थोड़ा साइड हो जाइए। इट्स ओके आंटी, आप बैठ जाइए यहीं। काश आज ऋत्विक मेरे साथ होता, कितना अच्छा होता, वो मेरी मदद करता, मुझे कितना प्यार करता था वो, लेकिन मैंने जाने ना अनजाने उसके प्यार को ठुकरा दिया। अब तो उसका कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं है, मैं मदद के लिए कहाँ जाऊँ? सिर्फ 1 घंटा बचा है माँ के ऑपरेशन में। वो सब सोचकर परेशान ही हो रही होती है कि एक लड़का उसे वैन में खींच लेता है और सूट में बैठा एक आदमी रोमी उससे बोलता है, तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, उतने जितने तुम मांगो। तुम कौन हो और मुझे ऐसे अपने पास क्यों बुलाया है, और तुम्हें कैसे पता कि मुझे पैसे की जरूरत है? देखो काम की बात करो, फालतू बात करके क्यों अपना और मेरा टाइम वेस्ट करना? तुम्हारी माँ का ऑपरेशन सिर्फ 1/2 घंटे में है, मतलब अगर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो तुम जानती हो उनकी जान खतरे में भी पड़ सकती है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी माँ को नहीं खो सकती, तुम बताओ तुम्हें क्या करवाना है मुझसे, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। ड्राइवर गाड़ी को साइड में लगाओ और कार से बाहर जाओ। ड्राइवर उसकी बात मानकर गाड़ी को साइड में लगाकर कार से बाहर चला जाता है और रोमी अकेले में प्रिया के आगे एक पेपर रखता है जिसमें लिखा होता है कि पैसों के बदले में उसको 9 महीने के लिए सैरोगेट मदर बनना पड़ेगा। ये डील पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बोलती है, नहीं मैं
पैसे के लिए ऐसा नहीं कर सकती। नहीं नहीं, मैं ये नहीं करूँगी। एक बार फिर सोच लो, मैं भी परेशान हूँ। मेरी वाइफ की मेंटल हालत खराब हो चुकी है। वो ठीक तभी हो सकती है जब उसे अपना बच्चा मिल जाएगा। अभी अभी उसने हाल में अपने बच्चे को खोया है। तुम्हारी माँ के ऑपरेशन में अब कम टाइम बचा है। सोच लो, शायद यही वो रास्ता है कि तुम्हारी माँ और मेरी वाइफ ठीक हो जाएं। 10 मिनट बाकी हैं प्रिया, सोच लो, वरना इस कार से यूं ही उतर जाओ। प्रिया के पास अब ज्यादा टाइम नहीं होता और मजबूरन अपनी माँ को बचाने के लिए उसे रोमी की बात माननी पड़ती है, जिसके बाद उसे 3 नहीं 5 लाख रुपए मिलते हैं। रोमी उसे कार्ड देता है और बोलता है, इसी जगह रात को 9 बजे मिलना, बाकी सारी बातें तब बता दूंगा। अभी तुम ये पैसे लेकर जाओ। प्रिया वो पैसे लेकर फटाफट से हॉस्पिटल पहुंचकर पैसे जमा कर देती है, जिसके बाद उसकी माँ का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है और प्रिया उनसे पूछती है, डॉक्टर मेरी माँ ठीक तो है ना? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? डॉक्टर बताइए ना प्लीज। प्रिया, घबराने वाली कोई बात नहीं है, अब तुम्हारी मदर पहले से ठीक है। पर क्या डॉक्टर? पर कब तक ये कह नहीं सकती, क्योंकि अगर उन्हें अभी होश नहीं आया तो वो कोमा में चली जाएंगी, और कोमा के पेशेंट को तो तुम जानती ही हो, उनका जीना ना जीना बराबर होता है, सिर्फ सांसें चलती हैं। ये क्या कह रही है आप? आपने तो सिर्फ पैसे लाने के लिए कहा था और मैं लेकर भी आई, अब तो मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। प्रिया डॉक्टर से पूछकर अपनी बेहोश माँ को देखती है और उसके होश में आने का वेट करती है। रात के 9 बज जाते हैं और वो अपनी माँ को नर्स के भरोसे छोड़कर वहाँ से रोमी के पास उसी जगह पहुँच जाती है। रोमी उसे अपने साथ एक घर में ले जाता है, जिसके बाद वो उसके साथ रात बिताता है। अगले दिन प्रिया के चेहरे के रंग उड़े हुए होते हैं, जिसे देखकर रोमी कहता है, देखो डील के मुताबिक मैंने तुम्हारे खाने पीने रहने तक का इंतजाम कर दिया है। अगले 9 महीने तक बस ध्यान रखना, बाकी चीजों की चिंता मत करना, हर महीने तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे। वो मैं कह रही थी कि एक बार अगर आप अपनी वाइफ की फोटो दिखा देते तो। तुमसे जितना कहा जाए उतना करो, मेरी वाइफ से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। प्रिया उसकी बात सुनकर खामोश हो जाती है। 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी जब उसकी माँ सरोज को होश नहीं आता तो वो कोमा में चली जाती है। साथ ही प्रिया को चक्कर और घबराहट होने लगती है। वो डॉक्टर के पास जाती है और उनके आगे ही बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद डॉक्टर उसकी प्रेगनेंसी के बारे में उसे बताती है। देखते ही देखते 6 महीने तक रोमी उसका सारा खर्चा उठाता है, उसे पैसे देता रहता है। उसी पैसों से प्रिया अपनी माँ का इलाज करवाती है, जो हॉस्पिटल में एडमिट थी। ऐसे ही एक दिन उसकी तबीयत खराब होती है, उसके पास कोई नहीं होता। इस हाल में वो खुद से हॉस्पिटल चलने लायक भी नहीं होती। वो रोमी को बहुत कॉल करती है लेकिन वो नहीं उठाता, और अचानक से फोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। प्रिया दर्द में तड़पती हुई सड़क पर चली जाती है। जैसे तैसे वो हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर उसे दवाई और इंजेक्शन देती है, जिस वजह से उसका दर्द थोड़ा कम होता है। तभी वो बोलती है, डॉक्टर मेरा बच्चा वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? हाँ हाँ तुम ठीक हो। पता नहीं रोमी जी कहाँ है, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। जल्दी से बस ये 9 महीने पूरे हो जाए, उनका बच्चा उन्हें दे दूं और ये डील खत्म हो जाए, फिर मैं अपनी माँ की जी भर के सेवा करूंगी। अरे डॉक्टर का कॉल आ रहा है। जी डॉक्टर, मेरी माँ ठीक तो है ना? उन्हें होश आया? प्रिया, आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। तुम अपनी मदर को यहाँ से ले जा सकती हो। क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इतना बोलते ही वो बेहोश हो जाती है और नर्स उसके पास आकर पानी की छींटे मारती है, जिसके बाद प्रिया होश में आती है और हड़बड़ाहट में अपनी माँ के पास पहुँचने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद प्रिया अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके उसी घर में लौट आती है, जहाँ रोमी ने उसे रहने की जगह दी। लेकिन उस दरवाजे पर ताला लगा होता है और उसका बैग भी बाहर पड़ा होता है। ये सब देखकर वो फिर से रोमी को कॉल लगाती है, लेकिन रोमी का फोन बंद आता है। वो समझ जाती है कि उसके साथ रोमी ने धोखा किया है। 1 महीना बीत जाता है। प्रिया अपने बच्चे को लेकर दर दर भटकती रहती है। ऐसे ही एक दिन उसकी टक्कर एक कार से होती है।
उसमें से एक लड़का बाहर निकलता है। वो और कोई नहीं बल्कि ऋत्विक होता है और उसे इस हाल में देखकर वो बहुत घबरा जाता है। होश में आने के बाद वो उससे बोलता है, प्रिया मुझे पहचाना तुमने, तुम्हारा ऋत्विक, पर तुमने शादी कर ली और तुम इस हाल में पहुंची कैसे? ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरी शादी भी नहीं हुई है। इतना बोलकर वो जैसे तैसे सारी बात ऋत्विक को बताती है, जिसके बाद ऋत्विक उसे गले लगाकर कहता है, प्रिया तुम परेशान मत हो, और इसमें इस बच्चे की क्या गलती, इसे और तुम्हें बहुत भुगतना पड़ा इस हाल में, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुमसे शादी करूँगा, इस बच्चे को अपनाऊंगा और तुम्हारा ख्याल भी रखूंगा। ये सुनकर प्रिया ऋत्विक को गले लगा लेती है। अब ऋत्विक उसका ख्याल रखता है। ऐसे ही कुछ महीने बाद उसकी डिलीवरी हो जाती है, जिसके बाद दोनों शादी करके एक सुखी परिवार की तरह रहने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।